हैप्पी शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज मैं लेके आई हूँ रेसिपी। तो आज मैं व्रत के लिए रेसिपी बनाऊंगी रायता की। हमारे यहाँ रायता बना के पिया जाता है, तो मैंने ये प्योर दूध का दही जमाया था। ये है 2 किलो, तो 2 लीटर दूध का। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला मैंने। प्योर दूध का दही जमाया, उसका बनाएंगे रायता। पानी का दूध का दही का रायता बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने ले ली आलू। आलू को कर लिया बॉईल। देखिए कुछ आलू मैंने क्रेश भी कर दिए और कुछ साबुत रख लिए इस हिसाब से। अब दही को एक बार चलाएंगे इस हिसाब से, ज्यादा बारीक नहीं करेंगे। अब डाल देंगे इसमें आलू। तो देखिए ये बगुनी तो छोटी पड़ेगी, तो हमारे को लेनी है दूसरी बगुनी। आज पूरी फैमिली के लिए रायता बनेगा, तो हमारे रायता ही पीते हैं सब लोग। इसमें कर लेते हैं ट्रांसफर इसको। तो 2 किलो दही था तो मैंने लिया है 1.5 किलो आलू। आप मेजरमेंट के हिसाब से बना सकते हो, बिना मेजरमेंट भी बना सकते हो, खास चीज नहीं है। ये लिया है मैंने 1/2 किलो दही ठंडा फ्रिज में से। ये कल का दही है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, ये ठंडा है, इसलिए ये डाल दूँ। और ये लिए 2 चम्मच जीरा पिसा हुआ, और ये नमक लिया है 2 चम्मच काला। तो कर देंगे मिक्स। और 1 चम्मच लिए मैंने चाट मसाला, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये है मलाई का दही, तो ये फ्रेश दही है मलाई का। इससे रायता और भी टेस्टी बनेगा, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। मलाई का दही से टेस्ट और अच्छा आ जाता है रायता का। इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। आप इसमें थोड़ा सेंधा नमक भी डाल सकते हो, आज मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं सेंधा नमक नहीं डाल रही। इसमें लग रहा है कि रायता नहीं, व्रत की रेसिपी ये सबसे ज़्यादा टेस्टी रायता ही लगता है इसमें, तो आप ज़रूर बनाएगा, ज़रूर पिएगा। तो आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आज के लिए थैंक यू।